नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज फिर से आ जाऊँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा बीटी 113 जो आता है दोस्तों, और आपका जो छोटा सा ये सब जो डिवाइस आता है दोस्तों ब्लूटूथ, तो इसमें दोस्तों आज का वीडियो छोटा ही होगा, बट आप लोग के लिए नॉलेजेबल वीडियो होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों होता क्या है दोस्तों, चार्जिंग पिन अगर उखड़ जाता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, ये इसमें लाइन भी आना बंद हो जाता है और चार्ज भी नहीं ले पाता है। बहुत सारे वर्कर जो होते हैं दोस्तों, मिस्त्री सब जो भी हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा समझ में नहीं आता है। समझ में क्या नहीं आता दोस्तों, कि इसमें दोस्तों प्रिंट टूट जाता है। इसका भी वही कंडीशन है दोस्तों, देखिए आप, प्रिंट टूट जाता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों इधर उधर जम्पर मार के मतलब होता नहीं है दोस्तों। तो इसको जो दोस्तों बहुत बारीकी से देखा जाता है दोस्तों, देखना चाहिए कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज कुछ खुफिया ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, मतलब कुछ ऐसा टूट जाता है ताकि आप सही जगह जम्पर नहीं लगा सकते हैं, जो कि ठीक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज मैं बताना जा रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। और ये 110% आपका सही वर्क करेगा। वर्क क्या मतलब, जो सही है वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा सा आप देखेंगे दोस्तों, देखिए होता क्या दोस्तों, बहुत का होता क्या कि चार्जिंग पिन जो है टूट गया। तो ये देखिए दोस्तों, यही कहना है दोस्तों, ये चार्जिंग पिन दोस्तों प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये एक माइनस जो है उठा के दे दिया, या बॉडी कहीं से भी दे दिया माइनस, तो लगता है हो जाएगा ठीक, मगर नहीं होता है। होता क्या दोस्तों, ये आप देख लो दोस्तों, देखिए ये जो है दोस्तों, ये जो प्रिंट है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये प्रिंट दोस्तों ये साइड से होके दोस्तों, ये जो प्रिंट है पतला सा वाइट वाइट दिख रहा है दोस्तों, पतला सा, ये इसमें आके जुड़ता है दोस्तों, ये जो दोस्तों इसमें आके जुड़ता है। और ये दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो व्हाइट वाला दोस्तों, ये जो टूट गया दोस्तों, ये यहाँ से दोस्तों ये माइनस इससे जुड़ता है दोस्तों, ताकि दोस्तों ये माइनस जो है दोस्तों यहाँ तक आएगा तो ही पूरा किट में फैलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ताकि आईसी सब में इसमें सप्लाई जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से लेके एक जम्पर यहाँ मार दीजिएगा, तो ये आपका एक माइनस हो गया दोस्तों। और यहाँ से लेके दोस्तों देखिए, देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों ट्रेक, यहाँ से जम्पर लेके दोस्तों यहाँ जो ट्रेक है दोस्तों, यहाँ पे मार दीजिएगा, तो आपका जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा। और इसमें ये प्लस दे दीजिएगा, और इस जगह दोस्तों एक माइनस दे दीजिएगा, आपका 110% काम कर जाएगा दोस्तों। इसी कारण दोस्तों बहुत कुछ मतलब बहुत सारे वर्कर को समझ में नहीं आता है, ताकि मतलब छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा नहीं सिंपल सा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। तो इसको चलिए हम जो दोस्तों जम्पर मार के आपको दिखा देते हैं दोस्तों। मैंने भी दोस्तों जो है ऐसे हम तार जोड़ के मैंने ट्राई किया, तो नहीं हो पाया। तब जब अच्छा से देखे दोस्तों तो हमें पता चला, तो सोचे कि दोस्तों आप लोगों के पास भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग को भी जो ऐसा दोस्तों अगर प्रॉब्लम आए तो आप खुद से फेस कर सकते हैं दोस्तों। ये इस तरह का जो दोस्तों ब्लूटूथ होता है दोस्तों, इसमें भी वही कंडीशन होता है दोस्तों, चार्जिंग पिन जैसे उख रहा है कि मतलब होता है कि मतलब जो है ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ से दोस्तों माइनस का ट्रैक जाता है। आप लोग देख लोगे अच्छे से, लोग पता चल जाएगा दोस्तों। तो जो है दोस्तों हम इसको जम्पर करके आपको दिखा देते हैं, और जम्पर वायर बस पतला सा जम्पर वायर से ही करना है दोस्तों, कोई ज़्यादा ये नहीं है, बस ये जम्पर वायर से भी कर सकते हैं, कोई भी तार से आप कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको दोस्तों सोल्डिंग कर दिया मैंने, मतलब यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे, आप अच्छा थोड़ा दिखाना है, यहाँ से दोस्तों यहाँ से जम्पर कर दिया दोस्तों, और यहाँ से यहाँ आप जम्पर कर दिया दोस्तों, ये आपका ये प्लस हो गया दोस्तों, ये माइनस हो गया दोस्तों, और 110% वर्क करेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ इसका कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।